पहले सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, मैंने शुरू में बताया 70% सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है, आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है इस बार ईवीएम में? अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। मानक भाई, जनता जीत रही है और हम जनता को जनार्दन मानते हैं, इसलिए जनता जनार्दन जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जनता को मूर्ख मानते हैं, इसीलिए वो विषयांतर कर रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं, 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं, नए नए मुद्दों की बात करते हैं, कभी मंगल सूत्र पर ले जाते हैं, कभी दंगल पर ले जाते हैं, कभी पाकिस्तान पर ले जाते हैं, कभी जो है मुगल पर ले जाते हैं, कभी मुस्लिम लीग पर ले जाते हैं, कभी भैंसों पर ले जाते हैं, जैसे कि कहते हैं कि साहब 2 भैंसों में से 1 भैंस आपकी जो है कांग्रेस ले लेगी, तो हम कहते हैं कि नहीं भैया, आपकी भैंस हम आपको 4 तारीख को ससम्मान दिल्ली गाजे बाजे के साथ वापस करेंगे। तो ये सारे के सारे मुद्दे, कभी वो 4% आरक्षण पर ले जाते हैं कि साहब वो ये तो कांग्रेस ने दे दिया था, तो जब हम उनको याद दिला देते हैं कि साहब टीडीपी जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है वो भी वही आरक्षण दे रही है, और एसडी देवगौड़ा जो है वो भी वही मंडल कमीशन का आरक्षण दे रहे हैं, और हम भी मंडल कमीशन के आरक्षण की बात कर रहे हैं, मंडल कमीशन में जितनी जातियां हैं। तो उसके बाद फिर वो फिर दूसरा मुद्दा पकड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी संदेश खाली में जाकर के कल बंगाल में गए थे, उन्होंने वहां की उन महिलाओं से माफी नहीं मांगी, बहुत सीरियस इशू है मानक, कि उन महिलाओं की संदेश खाली की लड़कियों की अब शादियां कैसे होंगी, कभी किसी ने सोचा है कि उन लड़कियों की शादियां कैसे होंगी? तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? कैसे, कौन करेगा उनसे शादी, चूंकि उनको बदनाम कर दिया इन लोगों ने, वहां कहा कि मास रेप हुआ है, उन लड़कियों के चरित्र के ऊपर दाग लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आज उस संदेश खाली की उन बच्चियों के साथ, जो संदेश खाली जगह है उनके साथ शादियां करेगा कौन? भारतीय जनता अच्छा, पार्टी सुरेंद्र भाई एक चीज बताइए, सजा कैसे मिलेगी? एक चीज एक बात बताइए, आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है, पीएम और सीएम का जो रोड शो चल रहा है वाराणसी में, आपको कोई इसमें आपत्ति तो नहीं है? आप अक्सर आरोप लगाते हैं क्योंकि जब भी कहीं मतदान चल रहा होता है प्रधानमंत्री रोड शो या रैली करने निकल जाते हैं। मानक वाह बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। भाई जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो दवा हो जाती। आज की डेट में इलेक्शन कमीशन से हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई, नंबर एक। प्रधानमंत्री जी से सुचिता की हमें कोई उम्मीद नहीं है, नंबर दो। और वो पिछले 10 साल से हर बार वो ऐसा काम कर रहे हैं, नंबर तीन। तो अब हमसे हमें उनसे राजनीतिक सुचिता नहीं, की देखिए अब देखिए मैंने आपको इसीलिए ना, इसीलिए अब मैंने आपको फंसा दिया, ये मैंने आपको फुल टॉस देने की कोशिश की थी, थोड़ी ज्यादा उछाल दी, आपने फ्रंट फुट पर आगे आकर छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन आप फंस गए। आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है, पीएम रोड शो कर रहे हैं, आपके नेता भी तो प्रचार कर रहे हैं, और वो भी हम दिखा रहे हैं, सारा मीडिया दिखा रहा है। भाई जब 5-6-7 चरणों में वोटिंग होती है, आप भी देखिए, इसीलिए मुस्कुराए। सबको हक है अपना प्रचार करने का, रोड शो करने का, रैली करने का। सोनिया जी का आज वीडियो आया, राहुल गांधी की रैली आई, प्रियंका जी का इंटरव्यू आया, हम सब दिखा रहे हैं, सारा मीडिया दिखा रहा है। मानक भाई एक चीज क्या कर रहे हैं यार तू, मतलब मजाक है क्या? है अगर आप प्रधानमंत्री जी से बाकी सब लोगों को बराबर का तौलेंगे, लेबल प्लेइंग फील्ड करेंगे, तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी 3-3 चैनलों पर लगातार उनका लाइव इंटरव्यू चल रहा है, 3 चैनल पर लगातार चल रहा है, आपके सामने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू चल रहा है। हमने तो कोई शिकायत चुनाव आयोग से की नहीं ना, आपने सवाल पूछा तो हमने कहा जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती है, आपने मेरे जवाब पे शायद ध्यान नहीं दिया। हाँ। मैं फिर से कहता हूं कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती है, वही इस तरीके की जो वो आ गई है ना, कि अब उन्होंने उस तरीके के जो जिन्होंने राजनीतिक सूचिताएं खत्म कर दी, तो अब आपने इंटरव्यूज पर सवाल उठाया, आपने इंटरव्यूज पर सवाल उठाया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इतने सारे लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके नेता इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? दे दीजिए भाई, सारा मीडिया इंतजार कर रहा है, इंटरव्यू दीजिए, चला देंगे। हमने हम आप लोग कितना चला सकते हैं कितना नहीं, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हम
इमोशनल टाइम हमारी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी रणनीति है। वो जिस तरीके से सत्ता समर्थक मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी आपने सामने देखा हुआ है। और कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित हो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। okay. अब ये शिकस्ता कश्ती है, टूटी हुई कश्ती है, बिखरे हुए लोग हैं। okay. लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अमित शाह को बताना पड़ रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, योगी को बता, योगी जी अरे वो तो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा दिया इसलिए जवाब तो दिया गया आपको। अरे केजरीवाल जी ने आरोप लगा दिया ठीक है ना, और प्रधानमंत्री जी को आपको बचाना पड़ रहा है। मानक भाई सबसे पहले आपके शो में मैंने कहा था, आपको याद होगा कि राहुल गांधी तैयार है, आपने कहा आधिकारिक रूप से कहेंगे, मैंने कहा आधिकारिक रूप से कह रहा हूं। आज की डेट में प्रश्न ये बचाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि क्या प्रधानमंत्री जी की हिम्मत है राहुल गांधी जी का सामना करने। ओके अभी जवाब नहीं, मैं बागी सारस्वत कह रहे हैं तूफान की तरह आएंगे और सारे वोट उड़ा के ले जाएंगे, मोदी आंधी आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं सारस्वत जी मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। चेक कर लें, मोदी जी तो कर्नाटक भी गए थे, मोदी जी हिमाचल भी गए थे, मोदी जी बहुत जगह हार के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी जो तय कर लेते हैं। वो तो कह रहे हैं येन केन प्रकारेण का तो अर्थ बहुत लंबा निकलता है। खैर मैं मुद्दे पर आता हूँ। मानक जी इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जनता का जो रुझान मिल रहे हैं सरकार बदलने जा रही है, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग और प्रशासन और पुलिस और बीजेपी के गुंडे जो रोल अदा कर रहे हैं बहुत दृश्य बहुत ही दुख देने वाले, परेशान करने वाले हैं और चिंता करने वाले हैं लोकतंत्र का होगा क्या। जैसे शुरुआत में इसी दृश्य से करता हूँ, आपने कहा कि इस तरह के जुलूस तो अन्य पार्टी भी निकालती हैं। केवल जिस दिन भी मतदान होता है मोदी जी दिखाई नहीं देते, मोदी जी धार्मिक प्रतीकों के साथ दिखाई देते हैं, ये खतरनाक है। यही नहीं अभी और सुनिए, और चुनाव आयोग बिल्कुल संज्ञान नहीं लेता जबकि आदर्श चुनाव आचार संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव में कोई धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, चुनाव आयोग आंखें मूंदे रहेगा। तो इसमें कौन सा धार्मिक प्रतीक है आप देखो गौर से देखो, मोदी जी या तो मंदिर के साथ नजर आते हैं या मूर्ति के साथ नजर आते हैं या जो उसके वो करते हुए जो था पूजा करते हुए नजर आते हैं, धार्मिक पोशाक पहन के नजर आते हैं, धार्मिक प्रतीकों के साथ नजर आते हैं। देखो आप सारे धार्मिक प्रतीक नजर आ रहे हैं। दूसरी बात जो दूसरा दृश्य जो उद्वेलित करता है, चिंता परेशान करता है, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं अजय मिश्र टैनी जो वहाँ प्रत्याशी हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर बूथ में घुस गए, उन बच्चों से बटन दबवा रहे हैं ईवीएम का, वीडियो है मौजूद सोशल मीडिया पे। जो व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री रहा है वो सरासर धज्जियां उड़ा रहा है चुनाव आचार संहिता की, बच्चों को लेकर उसमें घुसे हुए और एक एक बच्चा कई कई बार बटन दबा रहा है, आवाज आ रही है, वोट पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्य परेशान करने वाले हैं। तो इस तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है कि शिकायत आपने कर दी इलेक्शन कमीशन से? शिकायत तो हुई है हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन आंख खोलेगा तब ना कुंभकर्ण है तब तो कार्रवाई होगी। कुंभकर्ण की आंख तो 4 जून के बाद खुलेंगे, अगर कुंभकर्ण अभी सोया हुआ है। बाटी साहब देखिए वीडियो है मेरे पास मौजूद है, आप कहते मैं आपको चैनल पर दिखा सकता हूं। अगर वीडियो सही है तो जरूर इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई। दिखाई दे रहे हैं अमित शाह बच्चों के साथ बूथ के अंदर है और बच्चे बटन दबा रहे हैं, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दृश्य रायबरेली में अमित शाह जी देश के गृह मंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं, एक रिपोर्टर वहां पर जो है राघव त्रिवेदी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, महिलाओं से पूछ रहे हैं कि आप किसे सुनने के लिए आई हैं। महिलाएं बता रही हैं हम 100-100 रुपये लेकर दे के लाया गया हमें, हम मोदी जी को सुनने के लिए आए थे और जो बोल रहे हैं इन्हें जानती हो, हम नहीं जानते इन्हें, अमित शाह बोल रहे हैं। तो बीजेपी के गुंडे उस पत्रकार को जबरन उठा के ले जाते हैं खींच के और वो पुलिस वालों को गिड़गिड़ा रहा है, पुलिस वालों का हाथ पकड़ रहा है मुझे बचाओ, पुलिस वाले उसे बचाते नहीं है, बीजेपी के गुंडे उसे मंच के पीछे ले जाते हैं, उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं, वो हॉस्पिटलाइज रहा है और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं, कोई संज्ञान नहीं है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, कोई इस पर चिंता जाहिर नहीं कर रहा ये। और जगह जगह ये दृश्य भी देखने को आप मिल रहे हैं, कन्नौज में, शाहजहांपुर में, जगह जगह लखीमपुर में, कि पुलिस मतदाताओं को धमका रही है, पुलिस बूथ में घुसने नहीं दे रही, लाठियां बजा रही है, वापस दौड़ा रही है। और जो सुब्रत पाठक है कन्नौज के कैंडिडेट बीजेपी के,
उनके भाई मतदाताओं को धमकाते हुए उनका वीडियो भी चल रहा है, छोटू पाठक, सुब्रत पाठक के भाई। तो ये जो दृश्य हैं, अब पर मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, मैं एक बात और सुनिए भाटी साहब, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जितनी भी ये शिकायतें आपकी हैं, ये सारी शिकायतें आपने इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दी हैं। जरूर पहुंची हैं, हर जगह जिला निर्वाचन अधिकारी को और वहां पर आरओ को सबको रिसीव कराई गई हैं, लिख के दी गई हैं और सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, स्वतः संज्ञान भी चुनाव आयोग ले सकता है। ओके, ऑल राइट। अब जब हम इस तरह की शिकायत करते हैं तो आरपी सिंह जी तो भले आदमी है, ये शायद नहीं कहेंगे इस बात को, अच्छे इंसान है। बीजेपी के प्रवक्ता अक्सर ये कहते हैं बहाने ढूंढ रहे हैं, हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, हार दिखाई दे रही है, कहीं इस तरह का अन्याय हो रहा हो तो क्या शिकायत ना करें? देखिए ये जो बीजेपी कर रही है और प्रशासन की मदद कर रहा है, जनता माफ नहीं करेगी। तीन चार चीजें बड़ी गंभीर बात हुई आपके डिबेट में, बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह जी, हम बिल्कुल स्वाति मालीवाल के उस पर चुप नहीं है, और अगर कोई किसी से भी दुर्व्यवहार, किसी महिला से दुर्व्यवहार हुआ, आपकी सरकार में हुआ हो, मेरी सरकार में हुआ, आपकी सरकार में किसी में, आपका मतलब आप पार्टी की सरकार में हुआ हो, बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं है। दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, सेल्फ कॉग्निजेंस लीजिए और उसको दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर आप स्वाति मालीवाल जी की सारी बातों को सच मानते हैं तो स्वाति मालीवाल जी की उस बात को भी सच मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उनकी कार को रोक करके मोलेस्टेशन किया था और वो जो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो उनकी कार रोकी थी उन्होंने, और उनको उनको भी लेकर के आप वही आप क्या नाम दलील रखिए और उनको फांसी पर चढ़ाइए, स्वाति मालीवाल को जिन्होंने सरे बाजार छेड़ा था, जिसका वीडियो फुटेज भी उसमें कहा गया था। नियम, वाह मोदी जी वाह वाह वाह, नियम एक रखिए, चाहे किलो में तौल लीजिए चाहे लीटर में माप लीजिए। हम तो कहते हैं कि अगर वो वैभव जो अरविंद केजरीवाल का पीएस है उसको भी फांसी दो अगर वो कहीं उसने कुछ गड़बड़ किया है, और अपने गुंडों को भी फांसी दो, नंबर एक। नंबर दो, हम संदेश खाली की बात में बता दूं, आरपी सिंह जी आप भी बहन बेटियों वाले हो, हम भी बहन बेटी वाले, किसी के भी घर की महिलाओं को अगर कोई झूठा फंसा देगा और ये कह आरोप लगा देगा कि इन लड़कियों की इस मोहल्ले में तो बलात्कार हुआ है, तो उस मोहल्ले की लड़कियों की शादी करना मुश्किल हो जाता है। हम गांव घर वाले लोग हैं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं दो मिनट के लिए अपनी अपनी पार्टी का जो आवरण उतार दें और पूछे कि जिस मोहल्ले में ये हो कि नहीं साहब यहाँ पे इस मोहल्ले में मास रेप हुआ, उस मोहल्ले की लड़कियों से कौन शादी करेगा? भाटी साहब भी बैठे हैं, गांव घर वाले हैं, ये बाकी सारे जवाब ले रही हैं, तो आप संदेश खाली में प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये क्षमा के योग्य नहीं, नरक जाएंगे लोग। मैं आपको बताऊं ये झूठ का, मैं आपको बताऊं तीसरी, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बात अभी एमएनएस के हमारे साथी वागी सारस्वत जी ने कही, वागी सारस्वत जी की पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ रही और हम कहते हैं कि हम आपको बताते हैं मानक भाई, आप ही का चेहरा, आपका मतलब मीडिया का चेहरा, 1000 घंटों में एक स्टडी आई है बाकायदा किसी एक प्रतिष्ठित एजेंसी ने की है, 832 घंटे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी चल रहे हैं 832 घंटे, और बाकी बचे 164 घंटों में या 100 जो भी बचे हुए हैं 168 घंटे जो हैं उसमें सारा विपक्ष चलता है और भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी जैसे नेता और नितिन गडकरी जैसे नेता, आरपी सिंह जैसे नेता चलते हैं। आप सोचिए 832 घंटे जो चलते हैं वो प्रधानमंत्री चल रहे हैं या अमित शाह चल रहे हैं, ये जो दोहरा मापदंड। ओके, पहले आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद बागी सरस्वत। आरपी सिंह बोलिए, आपकी बारी। जो मापदंड है ना, उस दोहरे मापदंड पर प्रहार करने की आवश्यकता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।